भारत आने वाले दिनों में ग्लोबल एनर्जी लीडर बनना चाहता है और इसके लिए नियत और रणनीति दोनों पक्की है। इस टारगेट में ONGC की भूमिका बेहद बड़ी है। क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तेल और गैस मॉडर्न वर्ल्ड की दो जरूरतें हैं, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी के लिए पानी और हवा। गति से लेकर गंतव्य तक पहुंचने के लिए और जीवन को आसान बनाने के लिए आज इन ऊर्जा के बिना कल्पना बेईमानी है। और इसी कल्पना में संकल्प के पहिए लगाकर सिद्धि तक पहुंचा रहा है ONGC। आज की तारीख में भी ONGC में लगभग 24 प्रोजेक्ट जिनकी कुल वैल्यू लगभग 60,000 करोड़ है वो प्रोग्रेस में है। उन 24 प्रोजेक्ट में 6 प्रोजेक्ट नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें ये 24 प्रोजेक्ट ऑफशोर ऑनशोर सब मिला के हैं। टोटल ONGC की बात कर रहा हूं मैं। इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम एनहांस्ड ऑयल रिकवरी जिसे बोलते हैं उससे रिलेटेड है, इम्प्रूव्ड रिकवरी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि एक फील्ड को डेवलप करना एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, जो ऑफशोर गैस का 70% प्रोडक्शन करती है। सबसे पहले मुंबई में 1976 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। साल 2006 में सैटेलाइट की फील्ड में प्रोडक्शन शुरू किया। ONGC ने भारत में 7 तेल और गैस उत्पादनशील बेसिनों में से 6 की खोज की है। ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड 20 देशों में 41 तेल एवं गैस परियोजनाओं वाली सबसे बड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ONGC प्रतिदिन 1.26 मिलियन बैरल से अधिक तेल गैस का उत्पादन करता है और इन सब की मॉनिटरिंग पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करता है। हर महीने इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाता है। निश्चित तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के माध्यम से भारत सरकार का लगातार मॉनिटरिंग रहता है। मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ पेट्रोलियम एंड कभी कभी माननीय मंत्री जी खुद से हमारी एक्टिविटीज का रिव्यू करते रहते हैं। उसमें हमें फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड होता है। कई बार रिव्यू ना होने पे भी हमें सरकार का एक्सेस होता है। हम खुद मंत्रालय जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इवन मंत्री जी के पास तक भी अगर हमें जरूरत होती है तो हम जाते हैं और हमें हेल्प मिली भी है। ONGC को मूल रूप से जून 2019 में KG-D5 में क्लस्टर सेकेंड रीजन से गैस प्रोडक्शन शुरू करना था। पहला कच्चे तेल का मार्च 2020 में फ्लो होना था, जिस पर देश की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही विशाखापट्टनम से देश के नाम संबोधन में इसका जिक्र किया था। कंपनी के ऑफशोर डायरेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि मई महीने में तेल का उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए, ऑयल और गैस प्रोडक्शन दोनों शुरू हो जाने चाहिए। कोविड का थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में आया था, लेकिन उसके बावजूद पूरे लॉकडाउन में हमने अपने डीप वाटर प्रोजेक्ट में लगातार प्रोग्रेस बनाए रखी, जिसका नतीजा है कि हम उसको मई में और तेल शुरू करने के लिए इस समय उम्मीद तैयार है, लगभग तैयार है, फाइनल फेजेस चल रहे हैं। मोदी सरकार का फोकस ऑयल और गैस विकास पर है, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में 3/4 पेट्रोलियम आयात किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि इसमें कम से कम 10% की कमी हो, इसके लिए देश में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और इस टारगेट को लेकर ONGC ने अपनी पॉलिसी में कई बदलाव भी किए हैं। जो भारत सरकार ने पॉलिसी चेंजेस किए हैं पिछले 8-10 सालों में, बहुत सारी नई पॉलिसी आई हैं अपस्ट्रीम एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, वो चाहे एनहांस्ड ऑयल रिकवरी स्कीम हो, चाहे इम्प्रूव्ड रिकवरी स्कीम्स हो, चाहे मार्जिनल फील्ड डेवलपमेंट हो, डिस्कवर्ड जो छोटे छोटे फील्ड हैं उसके लिए भारत सरकार DSF राउंड के माध्यम से आई, और अभी एक भारत सरकार का बहुत ही बड़ा डिसीजन जो कि काफी लंबे समय से नोगो एरिया थे जिनमें एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज तक भी परमिटेड नहीं थी, वो वेस्ट कोस्ट हो या ईस्ट कोस्ट हो, पूरे EEZ में नोगो एरिया को रिलीज किया गया है। एक्शन प्लान के हिसाब से ONGC ने 2024-25 तक के टारगेट तैयार कर लिए हैं, जिस पर काम शुरू है। इम्पोर्ट के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है, जिनमें वैकल्पिक ऊर्जा, कन्वर्जन और दूसरे विकल्प हैं।
हम भारत सरकार के साथ डिस्कशन के बाद जो टारगेट सेट हुए हैं, जिसे एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है, 24-25 तक के उसमें ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के टारगेट सेट हुए हैं और ONGC अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उन टारगेट्स को मीट किया जाए। जहां तक सवाल है, आपने बोला कि इम्पोर्ट में कमी के लिए ONGC और बाकी अपस्ट्रीम कंपनियां अपनी पूरी ताकत से और कैपेबिलिटीज से काम में लगी हुई हैं। ONGC की विदेश की 20 देश अजरबैजान, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, इराक, इजराइल, ईरान, कजाकिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामिया, रूस, दक्षिण सूडान, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुला, वियतनाम और न्यूजीलैंड में 14 परियोजनाओं में सहभागिता है। मतलब देश से लेकर विदेश तक तेल और गैस के फील्ड में ONGC का परचम लहरा रहा है। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।